टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट्स। तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत ज्यादा चल गया है। आप, मैं, हमारे पड़ोसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। हाल कुछ इस तरह बदहाल हुआ है कि लोग अपने कच्चे भी ऑनलाइन मंगाने लग गए हैं। परंतु ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। ये तो बजी नहीं। हो सकता है कि इनमें से एक आध बात मैं आपको किसी वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, वो ये करते हैं कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से ही करने लग जाते हैं पेमेंट, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पेमेंट करनी है या तो क्रेडिट कार्ड से करो या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनो। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अलग अलग प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के साथ आते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करो तो क्रेडिट कार्ड आता है FCBA के अंदर, यानी फेयर क्रेडिट बिलिंग एक्ट के अंदर। और अगर मैं डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की बात करूं तो वो आता है EFTA के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट के अंदर। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि जो क्रेडिट कार्ड का FCBA है, इसमें आपको रिकवरी के लिए बेहतर प्रोटेक्शन मिल जाती है। यानी अगर कभी कुछ दिक्कत परेशानी कोई धप्पा उप्पा लग गया ना, तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड के केस में, यानी FCBA के केस में आपको जो पैसे हैं वो आसानी से वापस मिल जाएंगे। और अगर डेबिट कार्ड के साथ आपके साथ फ्रॉड हो गया ना, तो भैया बड़ी मुश्किल आ जाएगी, बैंक में आपको चद्दर और बोतल लेके बैठे रहना पड़ेगा, यानी धक्के खाते रहोगे आप। तो जब भी आप पेमेंट करें, प्लीज डेबिट कार्ड का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन चुनें। वैसे तो आप ऐसे करते होगे, लेकिन यदि नहीं करते तो करना शुरू कर दो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो उसके रिव्यू जरूर देखो, ना कि उसी वेबसाइट पर जहां पर वो 2, 4, 5, 10 रिव्यू दिए जाते हैं, वहीं नहीं, आपको गूगल पर भी क्रॉस चेक करना होगा, अदर रिव्यूज देखने होंगे उस प्रोडक्ट के। और 2-4 रिव्यू तो प्रोडक्ट वाले खुद ही दिलवा देते हैं। अगर आपको 2-3 रिव्यू मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट वाले खुद ही कर देते हैं ऐसा काम। तो सेलर्स रेटिंग, जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो सेलर्स की रेटिंग देखे बिना प्रोडक्ट को बिल्कुल ना खरीदें। क्या होती है सेलर्स रेटिंग? सेलर्स रेटिंग ये होती है कि जिस भी सेलर से आप उस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, मान लो सेलर ने प्रोडक्ट में लापरवाही किया, गलत प्रोडक्ट भेज दिया, या प्रोडक्ट ही नहीं भेजा, या टूट फूट गया उसका प्रोडक्ट, सही से पैकिंग नहीं की, तो ऐसी स्थिति में जो वेबसाइट है, जो मर्चेंट है, वो उसकी रेटिंग को कम कर देता है कि भाई ये सेलर ना लापरवाह है। अगर 3 रेटिंग वाला आपको कोई सेलर मिलता है, समझ लो बहुत ज्यादा लापरवाह है। आप उस सेलर को छोड़ के किसी और सेलर से उस वस्तु को खरीदें। बिना रिटर्न पॉलिसी पढ़े वेबसाइट से वस्तु को बिल्कुल ना खरीदें। पहले रिटर्न पॉलिसी पढ़ रहे कि भैया अगर कोई प्रोडक्ट गलत आ गया या हमारा मन नहीं किया, हमें वापस करना हुआ, तो कैसे वापस लोगे? हमें भेजना पड़ेगा, तुम्हारा बंदा हमारे घर आके चाय पी के जाएगा, कैसे वापस लोगे? और क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है, खर्चा आ जाएगा। ऐसा ना हो कि वस्तु मंगाने में कम पैसा लगाए और रिटर्न करने में आपको ज्यादा पैसा लग जाए। तो रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ें हर वेबसाइट की जिससे भी आप वस्तु को खरीदना चाह रहे हो। सिक्योरिटी सील देखे बिना हम पेमेंट कर देते हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक पेमेंट गेटवे आता है ना कि भाई यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दो, तो वहां पर सिक्योरिटी सील को भी देखना होगा आपको। नोटन की होती है, मैकैफी होती है। बिना सिक्योरिटी सील देखे पेमेंट बिल्कुल ना करें। अनजानी वेबसाइट को चेक करे बिना वहां से बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें। चलो कुछ पॉपुलर वेबसाइट है, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये तो पॉपुलर है, ट्रस्टेड है। लेकिन कभी कभी हम फेसबुक पे देखते हैं ना कि ये वेबसाइट है, इतने में ले लो, उतने में ले लो, बहुत बढ़िया सी फोटो वो लगा देते हैं, वहां पर आप बिल्कुल लार टपका देते हो। ऐसी स्थिति में वो नई वेबसाइट होती है और उसे चेक नहीं करते और बहुत जल्दी से हम उस पर शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उस वेबसाइट के रिव्यू भी गूगल पर क्रॉस चेक करें, अन्यथा आप बिल्कुल भी वहां से कुछ ना खरीदें जब तक कि आप उनके रिव्यू ना देख लें। ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना, यदि आपको कोई भी लिंक ईमेल से आए, फेसबुक पर आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप से आए, आपकी प्यारी दुलारी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज भेज दे, लिंक कर दे कि ये वाली ड्रेस मुझे चाहिए जरूर वरना ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसी स्थिति पर उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। यानी इस तरह कोई भी आपको लिंक मिलता है तो प्लीज उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें, फिशिंग अटैक हो सकता है, मतलब गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, प्रोडक्ट आपके घर आ गया, तो प्रोडक्ट जैसे ही आपको डिलीवर करता है वहीं फाड़ देते हो पिन्नी? नहीं, आपको क्या करना है, आपको हो सके तो एक वीडियो बनानी है उस प्रोडक्ट को ओपन करते हुए, क्योंकि कभी कभी हम प्रोडक्ट कुछ और ऑर्डर करते हैं और डब्बा खाली आ जाता है। ऐसे हो जाता है ना कि प्रोडक्ट आपने वो ऑर्डर किया जो आपने अपने मन से चुना और डब्बे में आ गया झुनझुना, यानी डब्बा खाली मिल जाता है, उसमें ईंटें पड़ी होती हैं, पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। ऐसी स्थिति में आप वीडियो बना लो,
कभी कभी क्या होता है कि उसके क्लेम करने के लिए, वैसे तो वेबसाइट यूं ही आपकी मदद कर देगी, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, आपके पास सबूत हो जाएगा। तो खासकर जब आप महंगा प्रोडक्ट मंगाते हो तो प्लीज वीडियो बना लें, बढ़िया रहेगा, आपके लिए सबूत हो जाएगा यदि कुछ गड़बड़ हुई तो। और अंतिम शेष पर विशेष, पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करते हो, मान लो आप बाहर घूमने गए हो और वहां पर आपको वाईफाई मिल गया, अब बेटे किसी का फ्री वाईफाई मिल गया, या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो वहां के फ्री वाईफाई के मजे ले रहे हो और आपके मन में आया चलो भाई शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक वाईफाई पर या बाहर के वाईफाई पर कभी भी शॉपिंग ना करें और कोई पेमेंट बिल्कुल ना करें, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट बिल्कुल ना करें। बहुत सारी समस्या आ सकती है, फिशिंग अटैक हो सकता है, मैन इन मिडिल अटैक हो सकता है, स्नूपिंग हो सकती है, मतलब कोई भी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उनकी डिटेल्स चुराई जा सकती है। जिस भी वेबसाइट को आप प्रयोग कर रहे हो सेम वेबसाइट बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये वही वेबसाइट है, झूठी वेबसाइट है, तो ऐसी स्थिति में आपकी डिटेल चुराई जा सकती है, इस तरह के कार्य आपके साथ हो सकते हैं। तो पब्लिक वाईफाई पर तो भूल कर भी ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट ना करें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, दिल में कोई भी बात आ रही हो तो कमेंट कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई मेरी गर्लफ्रेंड आई अपना शादी का कार्ड लेके, कह रही जरूर आना, मैं कार्ड देख के सोच रहा कि जाऊं कि ना जाऊं, फिर मैंने सोचा यार बेवफाई अपनी जगह, मटर पनीर अपनी जगह, मैं तो जाऊंगा।